नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीएसआर जोन में। जो बात भी नहीं करता तड़प कर आएगा आपसे खुद मिलने, खुद बात करने। मित्रों, एक बहुत ही सरल उपाय, एक बहुत ही सरल टोटका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप करें। जो कोई भी नाराज व्यक्ति है, जो कोई भी रूठा हुआ इंसान है, कोई आपको छोड़कर जा रहा है, दूर जा रहा है, या किसी तीसरे इंसान के संपर्क में जुड़ रहा है, आपको भूल रहा है, आपकी कद्र नहीं करता, परवाह नहीं करता, ये उपाय आप कर लें। वापस आएगा आपके पास, खिंचा चला आएगा चुंबक की तरह, तड़पेगा, बेचैन हो जाएगा आपके लिए और खुद आकर मांगेगा आपसे माफ़ी, करेगा मिन्नत है। उपाय को मित्रों पूरे विश्वास, पूरे यकीन के साथ करें। सप्ताह में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत सी बात है इस उपाय की, किसी भी दिन ये उपाय किया जा सकता है। सिर्फ चावल के 9 दाने आपने लेने हैं और साथ में आपने लेना है किसी कटोरी में पानी। एक कटोरी में पानी रख लें, आधा कटोरी भरकर रख लें लगभग। आप एक स्थान पर बैठ जाएं, बैठते समय अपनी दिशा जो रखेंगे बैठने की, यानी जो आपके मुख की दिशा होगी वो होगी आपकी पूर्व की। पूर्व की ओर मुख करके, ईस्ट की ओर, जिस ओर से सूर्य उदय होता है उस ओर आप मुख करके बैठेंगे। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस इंसान को जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं सोचना है, उसका मनन करना है। उसको आप 5 सेकंड 10 सेकंड विचार लें पूरे ध्यान से। उसके बाद आपने क्या करना है, आंखें खोलें। जो कटोरी आपके पास है उस कटोरी में अपनी जो अंगूठे के साथ वाली 3 उंगलियाँ हैं, अपनी जो आपकी लिटिल फिंगर है, जो आपकी छोटी उंगली है और जो आपका थंब है, अंगूठा है, उसे आप छोड़ दें। 3 उंगलियां डुबाएं पानी में और पानी छिड़क दें जमीन पर थोड़ा सा, और ये पानी आप 3 बार छिड़केंगे। डालें उंगलियों को, एक बार ज़मीन पर, फिर डालें, फिर दूसरी बार, फिर डालें, फिर तीसरी बार, ये आप कर लें। चावल के जो दाने आपने लिए हैं उन्हें भी आप किसी पात्र या किसी कागज़ आदि पर रखेंगे। आपने वो चावल के दाने अपने उल्टे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेने हैं और सबसे पहले 3 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसे विचारते हुए। मुट्ठी खोलें, 2 चावल के दाने, एक अपने बाईं ओर, एक अपने दाईं ओर आप रख दें। सीधे हाथ से ही रखें, इस बात का ध्यान रखें, उल्टे हाथ के दाने ऐसे ही रहेंगे। आपने उनको उल्टे हाथ का इस्तेमाल नीचे रखने के लिए नहीं करना दानों को, और दाने जो रखेंगे वो आप ज़मीन पर रखेंगे, किसी कपड़े आदि पर ना रखें, जिस आसन, जिस कपड़े पर आप बैठे हैं उस पर ना रखें। अब आपने क्या करना है, जो 7 दाने आपके हाथ में हैं, आपने मुट्ठी को अब फिर बंद करना है और उसके बाद आपने एक मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है। ओम एंग एंग अमूक वश्ये तपो नमे नमः, ये आपने इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है, 3 बार इसे बोलना है। अमूक के स्थान पर आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। कोई लड़का, कोई पुरुष किसी लड़की या स्त्री के लिए कर सकता है, कोई स्त्री या कोई लड़की किसी पुरुष या लड़के के लिए कर सकती है, कोई इसमें बाध्यता किसी प्रकार की नहीं है। अगर कोई मित्र हो, दोस्त हो, वो भी आपस में कर सकते हैं, लड़का लड़के के लिए, लड़का लड़की लड़की के लिए भी कर सकता है, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कोई भी हो इसे कर सकते हैं। बस आप इसे एकाग्रता के साथ करें, एकांत में करें, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपने उपाय सुनना है, कोई भी गलती होने की इसमें कोई गुंजाइश ना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यकीन अपना पूरा बनाए रखें, विश्वास पूरा बनाए रखें। जितने विश्वास पूरे, जितने यकीन के साथ आप इसे करते हैं उतने ही शीघ्र और उतने ही सुखद आपको इसके परिणाम मिलते हैं। अब आपने क्या करना है, ये मंत्र पढ़ने के बाद आप मुट्ठी खोलें, 7 दाने अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें और 3 बार फिर एक बार उस व्यक्ति का नाम ले लें और इन्हें आप एक कागज़ पर रख दें, और जो 2 दाने बाहर हैं इन 2 दानों को अपने घर की दहलीज से बाहर गिरा दें, उठा कर ले जाएं, गिरा दें। जो कागज़ की पुड़िया है उसे आप घर में एक अपने गुप्त स्थान पर छुपा दें, मात्र 24 घंटे के लिए। आज आपने उपाय किया, इसे छुपा दें घर में, अगले दिन 24 घंटे के बाद आप कभी भी इस कागज़ की पुड़िया को बाहर ले जाएं घर से, सभी चावल के दानों को एक किसी भी खाली स्थान पर, साफ़ सुथरा स्थान हो, वहाँ पर बिखेर कर आ जाएं, फेंकने नहीं हैं, बिखेरने हैं आराम से अलग अलग, और उसके बाद आप घर वापस आ जाएं। जो पानी है कटोरी में उसे आप किसी पौधे पर गिरा दें, सूखा हुआ पौधा ना हो, हरा पौधा हो उस पर गिरा दें। ये उपाय मित्रों आप कर लें,
वो इंसान मात्र 48 घंटे के भीतर, जैसे ही आपने उपाय को समाप्त किया, अपने आप आपसे संपर्क साधेगा और आपकी ओर खिंचा चलाएगा, आपसे मांगेगा खुद माफ़ी, आपको मनाएगा। अब दे आज्ञा मित्रों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना, खुश रहें।